You're watching Today Express News. पूरे फरीदाबाद में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जगहों पर जो है दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। फरीदाबाद की बात करें तो बल्लभगढ़, NIT सेक्टर 31 और फरीदाबाद के इस दशहरा ग्राउंड मैदान में आप देख सकते हैं, यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले लगे हुए हैं। लोग भारी संख्या में अपने बच्चों को लेकर यहाँ जो है ये नज़ारा दिखाने के लिए लाए हैं। मैं आपको बता दूँ, फरीदाबाद NIT बड़कल विधानसभा का ये वही मैदान है जहां पर दो संस्थाओं के बीच में लगातार विवाद बना हुआ था और कहीं भी सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने इसका पूरा इंतजाम अपने हाथ में ले लिया। दोनों संस्थाओं में से किसी भी संस्था को बैनर या पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है और ये प्रशासन सीधे तौर पर जो है अपने हाथ में सारी व्यवस्था लेकर ये दशहरे का त्यौहार जो है शहरवासियों के लिए मना रहा है और काफ़ी रौनक दिखाई दे रही है। आखिरकार शहर के लोग अपने बच्चों के साथ निकल कर आए, आइए बात करते हैं। माहौल ठीक नहीं है, जैसे होना चाहिए दशहरा वैसे भी नहीं मन पा रहा है और हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं प्रशासन से कि प्रशासन को धार्मिक कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। धार्मिक संस्थाएं इस चीज़ के लिए बनी हुई हैं, उनको अपना काम करने दें, बीच में आप इंटरफेयर ना करें, बस इससे ज़्यादा। तो आप आए हैं, चलो अल्टीमेटली दशहरे का त्यौहार देखने के लिए बच्चों को लेकर आए हैं, तो किस तरह का अब लग रहा है आपको? बच्चे कितने खुश हैं? बच्चे उस हिसाब से खुश नहीं हैं, अब जो रावण पहले बनाए गए थे वो रावण भी यहाँ नहीं आ पाए हैं। जिस हिसाब से अब धार्मिक संस्थाएं आयोजन करते हैं उसी हिसाब से प्रशासन थोड़ा ना कर पाया आयोजन, कई कमियां भी है इस चीज में। शोभा यात्राएं भी बिल्कुल ना, शोभा यात्रा ना कुछ है। धार्मिक काम को धार्मिक तरीके से ही करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं। हाँ, ये थोड़ा ना कि आपने पुतले खड़े कर दिए उससे दशहरा थोड़ा ना मनाया जाए। बिल्कुल, बच्चों को लेके आए हैं, बच्चों ने कोई इंजॉय किया है? बस नहीं, झूले तो खाएंगे नहीं है, बस वैसे ही देख के हम वापस ही जा रहे हैं। मज़ा तो आ नहीं रहा जैसे जैसे पहले होता था वैसे नहीं है। ये 80 से 90 फुट की ऊंचाई के रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं, इसके इनको छोड़कर एक छोटा सा रावण, आदम कद रावण, यानी कि करीब 6.5-7 फुट का रावण यहाँ पर एक किसी ने लगाया है और उसको देखने के लिए लोगों में ज़्यादा क्रेज़ बना हुआ है क्योंकि लोग इसके साथ अपनी सेल्फियाँ ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और जो है खूब आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, किस नाम है आपका? विजेता। आप फोटो खींचो, बच्चों के फ़ोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, जबकि बड़े बुत भी हैं उसकी बजाय इस तरफ ज़्यादा आकर्षण हो रहा है क्योंकि बच्चों के हिसाब से है ना, वो बड़ों के साथ अगर सेल्फी लो ना तो फिर बच्चों के साथ बड़ों की फ़ोटो नहीं आती है, तो इसमें पूरे रावण भी आएंगे और बच्चे भी आएंगे, तो काफ़ी क्रेज है। हाँ, किस तरह का इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, हर बार आते हैं, हर बार बहुत अच्छा लगता है, इस बार भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट और बहुत अच्छा लग रहा है। रावण जितना विद्वान है उनसे विद्वत्ता लो, बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि रावण जितने विद्वान थे जी, उनसे उनकी विद्वत्ता लो, उनसे प्रार्थना करो कि हमें विद्वत्ता दो, उनकी बुराइयां छोड़कर उनकी अच्छाइयों की तरफ चलो। इनका कहना था कि रावण की बुराइयां छोड़कर बच्चे जो है उनकी जो उनके गुण थे उन गुणों को ग्रहण करें लोग, और यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो रावण के चरणों में नतमस्तक भी हो रहे हैं और जो है प्रणाम भी कर रहे हैं, माथा भी टेक रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दशहरे के मैदान में प्रशासन द्वारा टेक ऑफ किए जाने के बावजूद रौनक बनी हुई है और लोग जो है दशहरे का आनंद लेने के लिए अपने बच्चों समेत सुबह से ही इस ग्राउंड में आ चुके हैं और खूब आनंद ले रहे हैं। शाम तक इस ग्राउंड में भारी संख्या में जो है लोग जमा होंगे और तिल रखने की जगह तक नहीं मिलेगी।